रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे वीवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बहन भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल शुमाला ब्लॉग सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुँच सके। आज का जो वीडियो है उसमें मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ कि शाम का टाइम हो चुका है तो खाने का टाइम है। खाना बना रही हूँ शाम के लिए। शाम की सब्ज़ी आज मैं टिंडे बना रही हूँ। ये मेरे बाबा जान कल लाए थे, कल इसी पे मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूँ सब्ज़ी की। तो आज मैं शेयर करती हूँ कि मैं टिंडे कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे सब्ज़ी बनानी है जो मैं ऑलरेडी, सब्ज़ी मेरी हो चुकी बिल्कुल तैयार। टिंडे मैंने काट के धो रखे हैं। सब्ज मिर्च, टमाटर और अदरक लहसुन और सब्ज धनिया और प्याज। अभी सालन बनाना स्टार्ट करती हूँ। चूल्हा मैंने कर लिया ऑन, घी मैंने डाल रखा प्रेशर कुकर में। जैसे ही मैंने सोचा चले आज नीचे बैठ के ही सब्ज़ी बनाते हैं। ये हमारा दस्तरखान है, इस पर हम अक्सर बैठ के खाना भी खाते हैं, लेकिन जब चूल्हे का काम करना हो तो फिर मैं ये बिछा लेती हूँ। प्याज ब्राउन हो रहे हैं और मैं साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। आज बिल्कुल भी ना खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैंने वर्जिश के बाबा से कहा है कि लहसुन का पेस्ट साथ ही डाल देती हूँ टमाटर। और एक और मैं अपने बहन भाई से बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे सीधे हाथ से छुरी नहीं चलानी आती। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं चलती मेरे से सीधे हाथ से छुरी, आदत नहीं है। छुरी वाला काम जो है वो मुझे उसी हाथ से करना आता है। इसलिए प्लीज़ कमेंट में ये ना कहिएगा कि आपकी जी ये आप बुरा काम करते हैं, बस होता नहीं है सीधे हाथ से। बाकी सारे काम सीधे हाथ से करती हूँ, बस छुरी नहीं चलाई जाती सीधे हाथ से। मैं टमाटर डाल दी, टमाटर छीले हुए ये मैंने वक्ती तौर पे काटना मुनासिब समझा, इनको पहले नहीं काटा। सबज मिर्च काटती हूँ, मैं इसमें शामिल कर दूंगी सब्जी। अपने करती हूँ मसाले शामिल। मसाले में मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, बस भी जरूरत। असली ज़रूरत सूरत मिर्च पाउडर, असली ज़रूरत गरम मसाला और खुश्क धनिया पिसा हुआ। और असली ज़रूरत हल्दी पाउडर। मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी। इधर आओ कैमरामैन जी, दिखाएं जरा हमारी सब्जी का कलर। थोड़ा सा
मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मसाले फ्राई करूँगी। उसके बाद हल्का सा पानी लगा के प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी और 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 4 या 5 मिनट मैं प्रेशर दूँगी इसको, ताकि जो सब्ज़ी है टिंडे वो अच्छी तरह से ज़बरदस्त वाले जाएंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का सालन बनने वाला है। आप भी ज़रूर सब्ज़ियाँ ऐसी ट्राई किया करें, बनाया करें, बच्चों को खिलाया करें सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा। मम्मा हादी तो कच्चे टिंडे उठा के खा जाता है ना। हादी माशाल्लाह कच्चे टिंडे भी खा जाता है। एक दफ़ा पानी का थोड़ा छींट और लगाती हूँ। हादी बेटा भी आ गया है, देखो हादी भैया। गंदा बेबी आ गया। हादी नहीं 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 नहीं, ये आ गया मेरे काम खराब करने के। हादी मम्मा मिर्ची उठा ली आगे बिठा देगा, शरारती हो गया ना, बहुत ज्यादा शरारती करने वाला। मम्मा जी इसने सुबह मुझे काटी की है, इसके दांत जो है ना मेरे उंगली पे खुब गए हैं ऐसे। हाँ जी माशाल्लाह से अब्दुल हादी ने 2 दांत भी निकाल लिए हैं, और अभी हमने कल चीज़ बांटी है अब्दुल हादी की इस खुशी में। और इंशाल्लाह फिर अगले महीने में हमारे अब्दुल हादी की हैप्पी बर्थडे है, तो हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये तंग करता है, चलो जाके खेलो। मम्मा जी नेल कटर उठाया आँख में, टेबल पे पड़ा होगा, खड़ा होकर इसने उठा लिया होगा। इसमें भी जी कोई हक नहीं खा सकता है। सालन मेरा बिल्कुल हो चुका है तैयार। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सब्ज़ धनिया, और थोड़ी सी खुश्क मेथी। मेथी का टेस्ट टिंडे में बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई करें। सालन मेरा हो चुका बिल्कुल तैयार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यही साथ दस्तरखान लगाती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि आज आटा नहीं है घर पे, और पनीर भी कुछ बेहतर नहीं थी, रोटियाँ मेरे तो नीचे मिल गई हैं बाजार से। आ जाओ बच्चों खाना खा लो बेटे, आ जाओ दस्तरखान हमारा लग चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।